हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर गाइज हम लोग बात करने वाले अपने ओबी 43 अपडेट की। जी हाँ गाइज, यहाँ पर बहुत ही जल्द अपना ओबी 43 का जो अपडेट है वो आप सभी लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को उसकी डेट बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ओबी 43 का जो अपडेट है उसकी डेट बताई जा रही है 23 या फिर 24 जनवरी। जी हाँ गाइज, 23 नहीं तो 24 जनवरी को अपना जो ओबी 43 का अपडेट है वो आप सभी लोगों को मिल जाएगा। अब गाइज देखो, डेट में एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, बट जैसे मुझे कंफर्म डेट पता चलेगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, अब चलो गाइज यहाँ पर आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को, जैसे थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि नेक्स्ट इवो बंडल के बारे में बताने वाला हूँ। प्लस गाइज यहाँ पर अपना जो 7th एनिवर्सरी इवेंट आने वाला है उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। एंड ऐसे गाइज नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड काफी सारी यहाँ पर न्यूज मेरे पास निकल कर आ चुके हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो को गाइज आप लोग जरूर से एंड तक देख लेना, और पसंद आए तो यार वीडियो को प्यारा सा लाइक, एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए गाइज हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की कुछ लोबी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहली लोबी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भाई, मतलब लोबी के अंदर काफी सारे जो कैरेक्टर्स है वो आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो ये जो लोबी है वो गाइज शायद यहाँ पर डिजाइन हो सकती है अपने 7th एनिवर्सरी के थीम पर। आप लोगों को पता होगा जब भी एनिवर्सरी का इवेंट आता है तो काफी सारी ऐसी लोबी आती है जहाँ पर भाई हमारे गेम के जितने भी कैरेक्टर्स है वो खड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से गाइज आप लोगों को 7th एनिवर्सरी की या फिर आप लोग बोल लो कि नेक्स्ट अपडेट की कुछ लोबी मिल जाएगी। फिर गाइज सेकेंड लोबी यहाँ पर आती है, आप लोगों को कुछ गैलेक्सी टाइप की मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चारों तरफ आप लोगों को मतलब कुछ स्टार वगैरह एंड गैलेक्सी के अंदर जैसे ग्रह वगैरह होते हैं वैसे आप लोगों को यहाँ पे येलो भी मिल जाती है। एंड बीच में गाइज यहाँ पे एक कैरेक्टर भी गरेना वाले ने रखा है, तो येलो भी गाइज यहाँ पर हो सकती है 7th एनिवर्सरी स्पेशल, तो ये भी आप लोगों को मिल सकती है। देन थर्ड लोबी गाइज आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। ये वाली लोबी भाई काफी कलरफुल लोबी है, एंड इसके बीच में आप लोगों को केले का कैरेक्टर भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से गाइज यहाँ पर तीन लोबीज आप लोगों को मिल जाएगी। अब गाइज देखो, ये तीनों ही लोबी आप लोगों को नहीं मिलेगी, इनमें से शायद कोई एक या फिर दो आप लोगों को मिल सकती है। तो इस तरह की गाइज अपनी कुछ लोबी होने वाली है। इसी के अलावा गाइज यहाँ पर बात करें नेक्स्ट पेट की, तो गाइज नेक्स्ट पेट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा अपना लिटिल मॉन्स्टर। जी हाँ गाइज, यहाँ पर लुक आप सभी लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का गाइज अपना न्यू पेट होने वाला है। तो ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये वाले पेट के बारे में तो ऑलमोस्ट गाइज आप में से काफी सारे प्लेयर्स को पता होगा, लेकिन भाई अभी जो न्यू लीक निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर भाई चिपकली का पेट आप लोगों को मिलेगा। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो जी हाँ भाई, कोई भी मजाक की बात मैं नहीं कर रहा, आप लोगों को चिपकली का एक जो पेट है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो भाई ये पेट अभी नेक्स्ट अपडेट के अंदर भी आ सकता है या फिर कोई लॉन्ग टाइम भी गरेना वाले ले सकते हैं ये वाले पेट को, मतलब लॉन्च करने के लिए। अभी तो गाइज ये सिर्फ लीक निकल कर आ रही है कि चिपकली का पेट आप लोगों को मिलेगा। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है वो तो गाइज जब भी मेरे पास कोई ऑफिशियल कन्फर्म अपडेट आ जाएगी तब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन। फिलहाल के लिए गाइज जो दो पेट की मेरे पास लीक आई थी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दिया। और हाँ गाइज, इतना ही नहीं, जो आप लोगों को यहाँ पर पेट मिलेगा नेक्स्ट अपडेट के अंदर उसके अंदर कुछ विजुअल इफेक्ट भी गरेना वाले देने वाले। अब कौन कौन से इफेक्ट हो गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सारे इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 6 या फिर 7 इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो गाइज चलो मैं आप लोगों को बारी बारी से यहाँ पर सारे जो इफेक्ट है उसका एक एक करके रिव्यू करा देता हूँ। तो पहला इफेक्ट गाइज आप लोगों को बंदों का डायरेक्शन बताएगा, मतलब जिधर से भी आप लोगों को गोलियां पड़ेगी ना तो आप लोगों को एक मतलब छोटा सा हाथ देखने को मिलेगा, एंड वो डायरेक्शन बताएगा कि आपको इस तरफ से गोली पड़ी है। तो इस तरह का गाइज आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा। प्लस गाइज यहाँ पर दूसरा इफेक्ट आप लोगों को मेडिकिट का मिल जाता है, जो कि अपने गेम के ऊपर काफी सारे ऐसे बंडल को गरेना वाले डिजाइन कर चुके हैं जहां पर आप लोग मेडिकिट लगाते हो तो कुछ अलग आप लोगों को इफेक्ट मिलता है। तो इस पेट के अंदर भी आप लोगों को इस तरह से जब भी आप लोग मेडिकिट लगाओगे तो इस तरह का इफेक्ट मिलेगा। देन थर्ड वाला इफेक्ट गाइज आप लोगों को यहाँ पर आइटम का जो लोकेशन है वो रिवील करेगा, मतलब आप लोगों को पता होगा आप लोग सेटिंग के अंदर से जो आइटम लोकेशन का जो होता है वो सिलेक्ट करके रखते हो, तो आप लोगों को आइटम के बारे में बताता है कि भाई ये आइटम यहाँ पर पड़ी है। आप लोगों के पास अगर मेडिकेट कम होती है तो मेडिकेट की लोकेशन यहाँ पर आ जाती है। वैसे गाइस ये वाला इफेक्ट काम करेगा, आप लोगों को आइटम का जो लोकेशन है वो डिटेक्ट करके देगा। फिर गाइस चौथा इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर वॉकिंग का मिल जाएगा, जब भी आप लोग वॉक करोगे मतलब जब भी आप लोग चलोगे तो इस तरह का आप लोगों को यहाँ पर जो इफेक्ट है वो मिल जाएगा। देन पांचवा इफेक्ट आप लोगों को जंप का मिलेगा, तो आप लोग मतलब जंप करोगे तो इस तरह से आप लोगों को इफेक्ट मिलेगा जो कि काफी बंडल के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों को दिया गया है, तो ये वाला जंप का इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। देन छठा इफेक्ट
आप लोगों को किल का मिलेगा। तो गाइज अभी आप लोगों को पता होगा इवो गन के अंदर किल का इफेक्ट हम लोगों को मिलता है, वो तो भाई सामने वाले बंदों को हम लोग जब भी किल करते तभी हम लोगों को शो होता है, लेकिन भाई हम लोग जब भी खुद मरेंगे ना तो आप लोगों को इस प्रकार से जो इफेक्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। देन गाइज सातवा एंड लास्ट इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा जंप फ्रॉम हाइट, मतलब जब भी आप लोग कोई ऊंची जगह से कूदोगे तो आप लोगों के पीछे इस तरह से मतलब पापा की परी की तरह जो पंख है वो यहाँ पे आ जाएंगे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। सॉरी गर्ल्स आप लोगों को अगर गुस्सा आया हो तो कोई बात नहीं भाई, पापा की परी भी आती है, पापा का परा भी आता है भाई, कुछ भी आप लोग बोल लो ओके, कोई मतलब दिल पे लेने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे अपने कुछ इफेक्ट होने वाले। अब आप लोग सोच रहे होगे कि भाई क्या ये सारे इफेक्ट हम लोगों को फ्री में मिलेंगे, तो भाई अगर मैं आप लोगों को आंसर करूंगा ना तो मुझे पता है कि आप लोग कोई भी मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन भाई ये जो सारे इफेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक करके दिखाया ये सारे ही इफेक्ट हम सभी लोगों को बिल्कुल ही फ्री में मिलेंगे। तो जी हाँ गाइस ये सारे इफेक्ट आप सभी लोगों को फ्री में मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे तो गाइस देखो एक सिंपल सा स्टेप है, नेक्स्ट अपडेट के अंदर जो यहाँ पे पेट आने वाला है उसके पेट के अंदर आप लोगों को ये सारे इफेक्ट मिलेंगे, ना कि गाइस आप लोगों को किसी बंडल के अंदर मिलेंगे। तो जी हाँ गाइस यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट से जो पेट आने वाला है वो पेट आप लोग इक्विप करके रखोगे तो यहाँ पर टोटल 7 मतलब एनिमेशन आप लोगों को मिल जाते हैं, सॉरी इफेक्ट मिल जाते हैं। तो इनमें से गाइस 4 या फिर 5 गरेना वाले रख सकते या फिर 3 भी रख सकते, उनकी मर्जी है भाई, जो भी इफेक्ट को ज्यादा वोट मिलेंगे वो गाइज इफेक्ट आप लोगों को यहाँ पर इन गेम के अंदर मिलेगा। तो इस तरह से गाइज यहाँ पे कुछ इफेक्ट आने वाले हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिर गाइज यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो गाइज यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट के अंदर मतलब 7th एनिवर्सरी स्पेशल एक इवो गन भी मिलने वाली है। अब गाइज देखो अभी तक पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है कि ये कौन सी इवो गन आएगी, लेकिन गाइज सर्वे के अंदर हम लोगों को P90 दिखाई गई है, तो भाई देखो यहाँ पर बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों को P90 की जो इवो गन है वो नेक्स्ट अपडेट के अंदर मिल सकती है। अभी भाई जैसे आप लोग जानते होगे कि भाई अपनी इवो स्कार 2.0 पेंडिंग पड़ी है, इवो SC80 पेंडिंग पड़ी है, इवो GAT पेंडिंग पड़ी है, एंड भाई ऐसी काफी सारी इवो गन्स है जो कि भाई अभी पेंडिंग पड़ी है, एंड एक और गन गरेना वाले नेक्स्ट अपडेट में रिजाइन करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पर अभी 50% चांसेस है कि इवो P90 आप लोगों को मिल जाएगी, बट जैसे मेरे पास कंफर्म अपडेट आ जाएगी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर दूंगा। फिलहाल के लिए गाइस लीक्स निकल कर आ रही है कि इवो P90 आप लोगों को शायद 7th एनिवर्सरी स्पेशल मिल सकती है। अब गाइस वो ऑब्वियसली बात है पेड इवेंट के अंदर मिलेगी, फिर में तो गरेना वाले आप लोगों को नहीं देंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ओके गाइज तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते अपने नेक्स्ट इवो बंडल की, मतलब कि गाइज 7th एनिवर्सरी स्पेशल जो इवो बंडल गरेना वाले लॉन्च करने वाले वो किस तरह का रहेगा, उसका लुक किस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर गाइज मैं आप लोगों को कुछ बंडल्स के कॉन्सेप्ट आर्ट दिखा देता हूँ, उनमें से गाइज कोई एक बंडल अपना नेक्स्ट इवो बंडल हो सकता है या फिर आप लोग बोलो कि 7th एनिवर्सरी स्पेशल आप लोगों को वो जो बंडल है वो मिल जाएगा। तो पहला बंडल आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ब्लू कलर का आप लोगों को मिल जाएगा जो कि काफी तगड़े एनिमेशन के साथ आप लोगों को मिलेगा। तो भैया यहाँ पर ये जो बंडल है वो मुझे काफी तगड़ा लगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक लुक चेंजर बंडल होने वाला है, यहाँ पर इसका जो लुक है वो चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से गाइस आप लोगों को पहला बंडल मिल जाता है। देन सेकेंड बंडल गाइस आप लोगों को यहाँ पर ऑरेंज कलर का मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों को जब लोबी दिखाया था उसमें आप लोगों को पता होगा किले का एक आप लोगों को फोटो मिला था, तो सेम उसी तरह का गाइस ये बंडल होने वाला है। यहाँ पर ये बंडल के ऊपर भी आप लोगों को जो केली है वो नजर आ जाती है, तो ये ठीक ठाक सा यहाँ पर बंडल है, ये बंडल भी आ सकता है। देन थर्ड बंडल की हम लोग बात करें तो गाइस ये बंडल मेरे को ना थोड़ा एनिमे टाइप का लगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मतलब एनिमे के अंदर जो बंडल्स आते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं बंडल नहीं सॉरी कैरेक्टर आते हैं ना, वैसा भाई ये मेरे को मतलब बंडल लगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काफी मस्त बंडल होने वाला है, एनिमेशन भी इसके ऊपर काफी तगड़ा है, तो भैया ये बंडल भी आप लोगों को मिल सकता है। देन चौथा बंडल आप लोगों को कुछ गैलेक्सी टाइप का मिल जाएगा, तो अपना गैलेक्सी वो बंडल है, वैसा ही बंडल सेम टू सेम तो नहीं है बट यहाँ पर थोड़ा बहुत तो अलग मतलब गरेना वाले डिजाइन करेंगे इसको, तो इस तरह से गैलेक्सी वो बंडल आप लोगों को मिल जाएगा। फिर गाइस यहाँ पर एक पंख वाला बंडल आप लोगों को मिल जाता है, तो इसका रिव्यू भी आप लोग देख सकते हो। ये भाई मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा, इसका जो डिजाइन है वो एकदम खराब यहाँ पे होने वाला है, तो ये बंडल भी आप लोगों को मिल सकता है। देन गाइस छठा बंडल आप लोगों को छपरी टाइप का मिल जाएगा, तो भाई लिटरली बताओ ना अभी तक जितने बंडल मैं आप लोगों को बताए उनमें से भाई सबसे खराब अगर मेरे को बंडल लगा है ना तो ये वाला है, आप लोग देख सकते हो। ये बंडल को भाई गरेना वालों को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है, तो आप लोग देख सकते हो इस तरह का बंडल होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पर एक और बंडल आप लोगों को मिल जाएगा जो कि ग्रीन इफेक्ट के साथ आप लोगों को मिलेगा, तो ये भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा भाई, ऊपर के बंडल जो है वो काफी मस्त मस्त थे लेकिन भाई लास्ट के जो बंडल है उसमें भाई गरेना वालों ने एकदम हग दिया है।
तो ये वाला बंडल भी आप लोगों को मिल जाएगा। देन गाइस लास्ट बंडल की बात करें तो भाई ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। यहाँ पर भाई इसके ऊपर फायर का इफेक्ट आप लोगों को मिल जाता है एंड भर भर कर गरेना वाले इसके ऊपर एनिमेशन भी हम लोगों को दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नेक्स्ट अपना जो इवो बंडल आएगा वो शायद ये वाला हो सकता है। अभी गाइस देखो 50% चांसेस है, मैं कंफर्म आप लोगों को नहीं बोल रहा कि भाई यही बंडल आ जाएगा, ये बंडल हो सकता है, नहीं तो गाइस ऊपर के जो 7 बंडल में आप लोगों को दिखाया उनमें से भी कोई एक बंडल आप लोगों को गरेना वाले 7th एनिवर्सरी स्पेशल मतलब के नेक्स्ट अपडेट के अंदर अपना जो इवो बंडल आएगा वो दे सकते। अच्छा तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी गाइस। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो की सारी अपडेट, सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो एंड भाई लाइक नहीं कराए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। वीडियो छोड़ रहे हो तो भाई वीडियो को लाइक करके छोड़ो। एंड चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो एंड फ्री फायर के अंदर आने वाले ऐसे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में, अपकमिंग अपडेट्स के बारे में आप लोगों को डेली जानना है तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, याद से बाजू वाला जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मैं अपनी चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मिल जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस गाइस इतनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।